नमस्कार, देख रहे हैं आप टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं दीप्ति पाल। सुपरस्टार सलमान खान अक्सर लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। सलमान की दरिया दली की जो चर्चा है वो पूरी इंडस्ट्री में मशहूर है। बड़े बड़े सितारे भी अक्सर सलमान की नेकी के किस्से सभी को सुनाते रहते हैं। भाईजान के परिवार में सुपरस्टार शाहरुख खान की भी मदद की है। सलमान ने न जाने कितने सितारों के बुरे दौर में उनका साथ दिया है। सोशल मीडिया पर इस वक्त इन्हीं चीज़ों को लेकर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। सलमान को आमिर खान के शो सत्यमेव जयते में देखा जा रहा है। सलमान खान की नेकी को आमिर खान दुनिया के सामने पेश करते हैं। इसी बीच सलमान अपने पिता सलीम खान की निजी जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा सभी के साथ शेयर करते हैं। सलमान खान कहते हैं कि एक छोटी स्टोरी है ये, जब मेरे फादर 7 या 8 साल के थे तो मेरी दादी को टीवी की बीमारी हो गई थी। उस वक्त नैनीताल के अंदर टीवी पेशेंट्स के लिए जगह थी, तो वहाँ पर अपना इलाज करवाने वो आती थी। 4 महीने वहाँ पर रहती थी, तो जब आई वापस एक दिन तो डैड बहुत ही छोटे थे। उन्होंने अपनी मेट से पूछा कि ये बच्चा कौन है। सलमान खान आगे बताते हैं कि वो मेट दादी से कहती हैं कि ये तुम्हारा बेटा डुल्लू है। मेरे पिता का जो निक नेम है वो डुल्लू है, तो उन्होंने कहा अच्छा जरा बुलाओ तो इधर, जरा उसे इधर बुलाओ। तो वो एक डिस्टेंस पर आ गए और दादी ने कहा बस बस उसे रोक दो वहीं पर। उन्होंने अपने बेटे को देखा और वो अंदर गई और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मेरे पापा समझ नहीं पाए क्योंकि उस वक्त वो काफ़ी छोटे थे। लेकिन आज जब मैं सोचता हूँ कि उनका क्या हाल हुआ होगा जब उन्होंने एक 5 से 6 साल के बच्चे को देखा, वो मेरे पापा को पहचान भी नहीं पा रही थी। आमिर इसी बीच कहते हैं कि वो उन्हें गले भी नहीं लगा पाई। इसी के साथ आमिर सलमान के काम की भी काफ़ी तारीफ करते हैं। सलमान अपने NGO में बच्चों का इलाज करवाते हैं और अपनी इनकम का काफ़ी हिस्सा डोनेट भी कर देते हैं। सलमान खान ने कई बच्चों की हार्ट सर्जरी भी करवाई है। सलमान के लिए कहा जाता है कि वो किसी का भी दुख हो देख नहीं सकते। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। तमाम बॉलीवुड एंड मसालेदार खबरों के लिए जुड़े रहिए टीवी 24 नेटवर्क से।